हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल के सेल ट्यूटोरियल में। आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एसिड बेस्ड टिट्रेशन में पार्ट टू में 30 क्वेश्चन को। ओके, करना आपको ये कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना और कमेंट करके वीडियो के लास्ट में आपका आंसर बताना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट प्रोड्यूस अ बफर सोल्यूशन? एंड द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.20 एम एन एच थ्री एंड 0.15 एम एन एच फोर सी एल? एंड द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेटियो सी एस थ्री सी डबल ओ एच एन एस सी एस थ्री सी डबल ओ दैट गिव्स अ सोल्यूशन विथ पी एच इक्वल टू 5.0 एंड द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर्ड अ सोल्यूशन विच इज 0.1 एम इन सी एस थ्री सी डबल ओ एच एंड 0.20 एम इन एन ए सी एस थ्री सी डबल ओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एंड द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बफर वॉज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग वन मॉलिक्यूल एंड अमोनिया एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन विथ अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 500 ml। ऑफ दिस सोल्यूशन वॉज एडेड 30 ml ऑफ 1 m एन ए ओ एच दैट वॉट इज द पी एच ऑफ द सोल्यूशन? एंड द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक पी एच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर? एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पी एच दैट रिजल्ट व्हेन द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर? एंड द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पी एच ऑफ द सोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशनल ऑफ 20 ml ऑफ 0.100 m एन ए ओ एच टू 30 ml ऑफ 100 m एन एस ओ थ्री? एंड द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेटर आइडेंटिफाइड बाई अ लेटर कुड बी यूज टू ट्रीट्रेट एक्वस एन एस थ्री विथ एस सी एल सोल्यूशन? इंडिकेटर, एसिड रेंज, कलर कलर रेंज, पीएच बेसिक रेंज, कलर? एंड द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द ट्रिट्रेशन ऑफ द
pairs of aqueous acids and bases listed on the left, for which pairs is the pH at the equivalence point stated incorrectly? And the right answer is D. Next question, what is the pH at the equivalence point in the titration of 100 ml to of 20 m ammonia with 0.10 m hydrochloric acid? And the right answer is B. Next question, calculate the pH of a solution prepared by mixing 300 ml of 0.10 m HF and 200 ml of 0.10 m KOH. And the right answer is D. Next question, what is the approximate pH of a solution prepared by mixing equal volume of 0.5 ml methylamine and 0.20 m hydrochloric acid? And the right answer is B. Next question, which of the following salt give acidic aqueous solutions? And the right answer is B. Next question, the following titration curve is the kind of curve expected for the titration of a dash acid with a dash base. And the right answer is A. Next question, consider the titration of 30 ml of 20 ml nitrous acid by adding 0.500 m aqueous ammonia to it. The pH at the equivalence point is dash. Note this is the titration of an weak acid and a weak base. And the right answer is C. Next question, buffers react with dash ions. And the right answer is A. Next question, buffers usually contains dash with its conjugate. And the right answer is C. Next question, carbonic acid and bicarbonate ion buffers which of the following? And the right answer is C. Next question, a strong acid is same as concentrated acid. And the right answer is A. Next question, which one is correctly matched? And the right answer is B.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूजली लिबरेटेड. एंड द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैप्ड. एंड द राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन. एंड द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेदर एन एसिड नॉर बेस. यहाँ पे और है ओके फ्रेंड, एसिड और बेस. एंड द राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन विल चेंज फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू. एंड द राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.001 मोलर एससीएल सॉल्यूशन. एंड द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड व्हेन HNO3 react with NH4OH. And the right answer is A. Next question, find the odd one out. And the right answer is B. दिए फ्रेंड सारे क्वेश्चन के आंसर. और ये मिस खुशबू सोनी जिन्होंने हमें पीपीटी भेजा है. अगर आप हमें पीपीटी भेजना चाहते हैं तो अनुराग सर से व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं या इन्हें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.